हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। सबसे पहले जान लेते हैं शब्द किसे कहा जाता है। सार्थक वर्णों के मेल से बनने वाले खंड शब्द कहलाते हैं, यानी के अलग अलग वर्णों के मेल से जो नई ध्वनियां मिलकर बनती हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, सार्थक हो, वो शब्द कहलाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद की उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी कि जन्म के आधार पर जो हम लोग भाषा बोलते हैं, उसमें जो है जन्म के आधार पर या उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हमारी भाषा में कौन कौन से शब्द आकर जुड़े हैं और कैसे कैसे उनका रूप परिवर्तन हुआ, कैसे वो आकर हमारी भाषा में जुड़े हैं, उन सब का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले भेद है तत्सम। तत् जमा सम। सम का मतलब होता है समान, और यहां पर आप याद रखने के लिए सम का मतलब संस्कृत से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है संस्कृत जो है हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, वो बहुत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा। तो तत्सम शब्द वो होते हैं तत् जमा सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे वैसे ही उसी रूप में उनका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वो शब्द कहलाते हैं तत्सम। उदाहरण के लिए मयूर, अग्नि, ये शब्द कैसे हैं? ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, और इनको हिंदी भाषा में बिल्कुल जैसे का तैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। तत् जमा सम यानी कि जैसे हैं, सम मतलब समान, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही हिंदी भाषा में उनका उपयोग किया जाने लगा है, इसलिए इनको कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दूसरे नंबर पर तद्भव। तद् जमा भव, और भव का मतलब होता है होना। अब होना से यहां पर क्या अभिप्राय है कि संस्कृत से कुछ शब्द थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने लगे, शायद हो सकता है जटिलता के कारण या अपने लिए आसानी के लिए जो है हिंदी भाषा में लोगों के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कुछ शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके, उनको कहा गया तद्भव। भव का मतलब भू, भू यानी के होना, कि जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया वो कहलाए तद्भव। जैसे ये मयूर शब्द दिया है, मयूर संस्कृत का शब्द है, जब तक इसको मयूर के रूप में ही इस्तेमाल किया गया तब तक ये तत्सम शब्द था, लेकिन मयूर से जब मोर बना तो ये तद्भव हो गया। उसी तरह से अग्नि संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से जब अग्नि शब्द को आग कहा जाने लगा तो वो तत्सम नहीं रहा, उसका रूप तद्भव हो गया, अग्नि से आग। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए देशज। देश जमा जब, देशज। देश का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी कि जो देश में उत्पन्न हुआ है। ऐसे शब्द जो किसी और भाषा से नहीं लिए गए, जो आपके देश के ही हैं, हिंदी भाषा के थे, हिंदी भाषा में ही जैसे थे वैसे ही इस्तेमाल किए जाने लगे, उनको क्या कहा गया देशज शब्द। जैसे बिल्ली,
नंबर चार पर और आखिरी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण हुआ विदेशी शब्दों का। आप सभी को मालूम है हिंदुस्तान में जो है पहले डच, पुर्तगाल ऐसे ऐसे अंग्रेजों तक बहुत सारे लोग आते गए हिंदुस्तान में, आकर अपना जो है रहने के लिए ठिकाना बनाते चले गए। तो उससे क्या हुआ, जब देश विदेश के लोग भारत में आकर रहने लगे तो उनकी जो बोलचाल की भाषा थी उसको भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा अपनाया गया, और जिसके कारण धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में जो है उनके प्रयोग किए गए शब्द इस्तेमाल होने लगे। जैसे रेल, स्कूल, स्टेशन, जमानत, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द यानी के ये अलग अलग भाषाओं से, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाओं से जो है ये शब्द हमारी हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हुए और उनका जो है आज बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। तो ये तो रहे चार भाग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर ये चार भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद एक और शब्द जुड़ता है, संकर। संकर शब्द वो होते हैं जब हम अपनी ही भाषा में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं, वो कहलाता है संकर शब्द। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, रेल शब्द और गाड़ी शब्द को मिलाकर क्या शब्द बना लिया गया, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यानी के एक शब्द किसी और भाषा का, दूसरा शब्द किसी और भाषा का मिलकर सम्मिलित रूप में जब बने तो वो एक नए रूप में प्रयोग होने लगा, तो उसको क्या कहा गया, संकर शब्द। आशा है आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।